राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जो हमारी टीमें थी उनको सम्मान करने का, तो बहुत ही कामयाब रहा। जो हम देखा पूरे जिले के और झालावाड़ तक लोग आए थे, तो लोगों में बहुत क्रेज है खिलाड़ियों के प्रति। और सरकार की मंशा ये है कि ओलंपिक होते हैं तो हमारे कोई मेडल आते ही नहीं है कॉमनवेल्थ में, एशिया में जितने आने की भी नहीं आते हैं। तो एक प्रयास किया गया है पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग टैलेंट हंट करें या प्रतिभाओं की खोज हो, तो कम से कम उनको बाद में कोच दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं उनके लिए, और ऐसी स्थिति करें उनमें से खिलाड़ी निकले आगे। तो मुझे उम्मीद है कि एक नया जो प्रयोग शुरू हुआ बहुत कामयाब होगा। अभी तक तो कामयाब बहुत हुआ है, प्रदेशवासियों ने सबका सहयोग किया, और अब हर साल होंगे मैच, तो उससे क्या है सती भी प्रतिभा निकलेगी और राजस्थान का नाम भी खेलों में पीछे नहीं रहेगा देश के अंदर, ये सोच के। और कल मैंने बताया आपको कि उनके अवार्ड, आउट ऑफ टर्न नौकरी, ये सब कुछ मतलब हमने उनको सुविधाएँ दी है, उनका प्राइज बढ़ा, जो इनाम देते हैं 3 करोड़ गोल्ड, 2 करोड़ सिल्वर, 1 करोड़ ब्रॉन्ज, तो तमाम तरह के फैसले हुए, वो खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। तो एक तो ये मुख्य बात थी, और बाकी जो है सरकार जो फैसले कर रही है इस बार एक के बाद एक, वो आप सबके जहन में है, और मैं दावा कर सकता हूँ कि देश के कई राज्यों में ऐसे फैसले नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गुजरात में काम कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ वहाँ, जरा बड़ी गंभीर है। जो मोदी जी के वक्त में गुजरात मॉडल था, वो मॉडल कुछ नहीं था वहाँ पर, खाली हवा हवाई थी वहाँ पर, और उनका काम चल गया, उनका काम चल गया। तो अब स्थिति जो बन रही है, अब उनकी पोर्टफोलियो और तो और सड़कें तो खराब हो गई वहाँ पर, जो पहले ज़माने में हमारी तुलना में सड़कें बहुत शानदार थी गुजरात की, वो उल्टा हो गया। अब राजस्थान की सड़कें शानदार, वहाँ की स्थिति बहुत ही विकट है। नौकरियाँ टेम्परेरी टाइप देते हैं वहाँ, अजीब सिस्टम है, 5 साल तक फिक्स पे रखते हैं, टेम्परेरी नौकरी होती है, नौकरियाँ कम बहुत कम हैं, तो बड़ा आक्रोश है। ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं, ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं, और कुछ सुविधाएं जो हजार हमने क्या किया है यहाँ पे, ओपीएस के साथ में आरजीएसएस लागू किया, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, जो सीजीएसएस की स्कीम भारत सरकार की है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, हमने वो स्कीम लागू किया यहाँ के लिए पेंशनर्स के लिए। अब उनको डायरी वायरी भरना लिमिटेड नहीं, 10-20 हज़ार की दवाई नहीं है, वो पूरा इलाज अपना परिवार का हिंदुस्तान में कहीं कर सकता है। मतलब आर जी एच एस लागू होने के बाद में उसको बहुत बड़ी सुविधा मिल गई कर्मचारी को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं, ओ पी एस ऐतिहासिक, और इतना झूठ बोलते हैं लोग, मध्य प्रदेश कल सरकार बोली है, पहले हिमाचल वाला बोला, इतने घबराए हुए लोग हैं, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है कि ये उपयोग लागू हुई नहीं है, खाली घोषणा हुई है। हमारे यहाँ तो उसका लाभ मिलने लग गया राजस्थान के अंदर, तो 100 कर्मचारी रहते हैं जो कि बाद में बढ़ती हुए थे, या उनकी एज ज़्यादा होगी, उनके कारण रिटायर भी हो गए वो लोग, और उनको लाभ मिल भी गया है। हमारे यहाँ जो पैदा करता था करता बंद हो गया है। तो कहने मुझे इतनी झूठ बोलने की इनकी तो लिमिट है, ये माहौल बनाते हैं, हमें वहाँ पर खंडन करना पड़ता है। बीजेपी राज्य झूठ बोलने लग गए, इसलिए अपने वहाँ पर कर्मचारियों का आक्रोश थमे कैसे, बहुत भयंकर कर्मचारियों पूरे देश के कर्मचारियों में बहुत भयंकर गुस्सा है इस बात को लेके, केंद्र के प्रति भी राज्यों के प्रति भी, जहाँ नहीं हो रहा है, अभी पंजाब ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया है, और इनको करना ही पड़ेगा सब। हमने वादा किया गुजरात के लिए कि गुजरात में सजा हमारी बनेगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे। ये मानवीय दृष्टिकोण है, 35 साल कितने कहते जिंदगी के, जो बूढ़ा आदमी होते देखे पता नहीं मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, और शेयर मार्केट लिंक कर दिया पेंशन को, अरे शेयर मार्केट तो आप जानते हो क्या होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है,
ये तमाम बातें जो मैं समझता हूँ कि इनको इनको आने वाले वक्त में खुद को एहसास हो जाएगा कि बहुत भारी ब्लंडर कर रहे लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।